लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे बहुत कुछ चौंकाने वाले रहे और ये आश्चर्य इसलिए नहीं था कि कोई पार्टी हारी या जीती, बात ये थी कि उम्मीदों और घोषणाओं के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहे। कई ऐसी हार दर्ज हुई जो चौंकाने वाली हैं, तो कुछ जीत के किस्से भी बेहतरीन हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, प्रतिनिधि चुनना और बदलना भी। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं शब्द सांची। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही जीत की जिसके नाम के पीछे ग्लैमर, स्टार और लंबे राजनीतिक संघर्ष की कहानी रेंग कर साथ आती है। हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के मशहूर एक्टर, फिल्मकार, मार्शल आर्टिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट और राजनेता पवन कल्याण की। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने एनडीए के गठबंधन के तहत लोकसभा की 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे और दोनों ही सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की 21 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की है। राज्य में टीडीपी द्वारा लीड करता हुआ बीजेपी, जनसेना, टीडीपी गठबंधन कुल 163 विधानसभा सीटों पर विजयी रहा है और अभी तक सत्ता पर रही YSRCP को राज्य में मात्र 11 सीटें मिली हैं। खुद जनसेना के चीफ पवन कल्याण ने पीठापुरम सीट से अनुभवी और YSRCP की पूर्व MP वंगा गीथा को 70,000 से ज़्यादा वोट्स के मार्जिन से हराया है। पवन कल्याण को 1,34,394 वोट्स और वंगा गीथा को 64,115 वोट्स मिले हैं। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है और इनका मिजाज कुछ रिवॉल्यूशनरी है। जापानी फिल्मकार अकीरा कुरोसावा और क्रांतिकारी चे गुएरा से प्रभावित पवन कल्याण का राजनीतिक संघर्ष लंबा रहा है। बात इन सब की करेंगे, सबसे पहले नजर डालते हैं इनके पूरे राजनीतिक सफर पर। साउथ के सुपरस्टार ने साल 2014 में अपनी पार्टी जनसेना की स्थापना की थी, लेकिन राजनीति में कदम इससे भी पहले रख दिया था। साल 2008 में ये अपने बड़े भाई और साउथ के एक और बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम की यूथ विंग का हिस्सा बने। बाद में पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई और इन्होंने जनसेना की स्थापना की। साल 2014 में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी। इसी साल आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई और इस बाइफर्केशन के बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इसके बाद जनसेना में कुछ बदलाव आया। पवन कल्याण ने एक एंटी मोदी रुख अपना लिया और धीरे धीरे पार्टी से अलग होने का मूड नजर आने लगा और इसका नतीजा उन्हें साल 2019 में भुगतना पड़ा, जिसमें दोनों लोकसभा सीटों में हार हुई और असेंबली इलेक्शन में मात्र 1 MLA बना, जो बाद में डिफेक्ट कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस बना और 2024 की ये जीत उनकी पहली बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। साउथ के स्टार्स लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर जीत के बाद से ही साउथ का ये सुपरस्टार छाया हुआ है। आइए कुछ बातें इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और आइडियाज की कर लेते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में जिक्र किया था कि पवन कल्याण जापान के लेजेंडरी फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा और अर्जेंटीना के क्रांतिकारी चे गुएरा से काफी प्रभावित हैं। इंडिया हेराल्ड के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में पवन कल्याण ने कहा था कि बड़े होते हुए अकीरा की फिल्मों ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया है, इसलिए वो ऐसी ही फिल्में बनाना चाहते हैं। अकीरा कुरोसावा को सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावकारी फिल्म मेकर माना जाता है। वो एक पेंटर भी थे। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 30 फिल्में बनाई थी, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया था। ये पहले जापानीज़ फिल्म मेकर थे जिन्हें उनकी फिल्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। दूसरे व्यक्ति हैं चे गुएरा, राजनीतिक रूप से जिनसे पवन कल्याण बेहद प्रभावित है और अपनी कई स्पीचेस में वो इनका जिक्र भी करते हैं।
यूथ विंग में पवन अपने साथ इस प्रभाव को लेकर जुड़े थे। पवन कहते हैं कि उन्होंने जीवन के शुरुआत में ही चे को पढ़ा था और तब से ही उनके विचारों और लेखनी का उन पर गहरा प्रभाव है। पवन ये भी कहते हैं कि चे गुएरा की उपस्थिति उनके जीवन में किसी ना किसी तरह से हमेशा बनी रहती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।